दुनिया में कई तरह के जीव हैं जिनका साइज एक दूसरे से भिन्न है। हाथी जैसे विशाल जानवर को शक्तिशाली और चूहे जैसे छोटे जीव को डरपोक की उपाधि दी जाती है। लेकिन जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, अपने अंदर की शक्ति और हौसले को पहचानते हैं और ये परवाह नहीं करते कि सामने कौन है, कितना बड़ा है, और इस बात को साबित करते हैं कि साइज से फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही फियरलेस जानवरों से मिलवाएंगे जिन्होंने साबित किया कि साइज डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट करेज। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। आप में से कई लोगों को सवाल होता है कि सारी आश्चर्यजनक घटनाएं विदेशों में क्यों घटती है, भारत में क्यों नहीं? इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क में घटी एक ऐसी ही आश्चर्यजनक घटना की वीडियो। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के अंतिम निवास के लिए जाना जाता है। साल 2019 में सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि बेफिक्री से अपने रास्ते जाते एक कुत्ते पर शेर अचानक से हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले में कुत्ता बौखला जरूर जाता है, लेकिन डर के भागने की बजाय उल्टा शेर पर ही हमला कर देता है। अब चौंकने वाली बारी शेर की थी। थोड़ी मुठभेड़ के बाद कुत्ता वहां से खिसक जाता है। आपको क्या लगता है, ये शेर कुत्ते की हिम्मत देख कर पीछे हट गया था या फिर इसलिए कि इसका पेट भरा हुआ था? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अगली फुटेज यूनिको सफारी लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका से आई है, जिसमें बुलेट नाम के एक छोटे से डॉग को आप गुस्सैल माने जाने वाले गैंडे को खदेड़ते हुए देख सकते हैं। सिर्फ एक ही नहीं, कई गैंडों को खदेड़ते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखकर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि साइज मैटर नहीं करता, वो आपकी हिम्मत है, एटीट्यूड है जो आपको दूसरों से अलग करती है। दुखद बात तो यह है कि यह बुलेट की मौत कुछ साल पहले सांप के काटे जाने के द्वारा हुई। इस वीडियो में तो कुत्ते ने हद ही कर दी, जिसमें एक नहीं बल्कि दो दो शेरों से अकेला ही बढ़ गया। उसकी हिम्मत के आगे शेरों ने भी हार मान ली, जिसके बाद कुत्ता अपने रास्ते चलता बना। आप इस वीडियो में देखेंगे एक जू के अंदर कुत्ते को शेर पर हावी होते हुए, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो पर। इस वीडियो में आप देखेंगे सुस्ता रहे कुत्ते पर अचानक से तेंदुआ हमला कर देता है, लेकिन यहां पर भी जीत आखिर कुत्ते की ही हुई। इस वीडियो में आप देखेंगे एक पिल्ला तीन तीन शेर के शावकों पर खाने की तरफ आने पर हमला बोल दे रहा है। इस वीडियो में आप एक छोटे कुत्ते को पूरी तरह विकसित मगरमच्छ से उलझते और उसे पानी में खदेड़ते हुए देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे दो भालू खाने की तलाश में जंगल से बाहर किसी के घर के आसपास मंडरा रहे हैं, तभी उस घर का पालतू छोटा सा फ्रेंच बुलडॉग उन पर हमला बोल देता है। ये देखकर दोनों इधर उधर दौड़ लगा देते हैं और भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब तक हमने आपको कुत्तों द्वारा हमला करने की वीडियो दिखाई, लेकिन इस वीडियो में एक भालू भागता हुआ जर्मन शेफर्ड डॉग पर हमला कर देता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि भालू को उम्मीद थी कि वो डरेगा, लेकिन वो हिलता तक नहीं है और भालू ये देखकर खुद रुक जाता है, लेकिन तभी डॉग का मालिक भालू को भगा देता है। इसके अलावा भी डॉग्स की ऐसी कई फुटेज है जिसमें भालू को डॉग से भागता हुआ देखा जा सकता है। पानी के बाहर आराम करते हुए कुछ मगरमच्छों ने जब एक बिल्ली को करीब आते देखा तो उनमें से ज्यादातर वापस लौट गए, लेकिन एक बाहर ही रहा और उसके बाद शुरू हुई इलाके की होड़। बिल्लियां आमतौर पर अपने इलाके को लेकर संवेदनशील होती है। एक मगरमच्छ का जमीन पर बने रहना बिल्ली को पसंद नहीं आया। बिल्ली धीरे धीरे सधे कदमों से उस मगरमच्छ की ओर बढ़ी
बिल्ली को पास आते देख मगर ने अपने जबड़े खोल दिए। ये बिल्ली के लिए साफ चेतावनी थी। बिल्ली मगरमच्छ से इतनी दूर बनी रही कि हमले की स्थिति में उछलकर पीछे जा सके। इसके बाद जैसे ही मगरमच्छ ने हल्की हरकत की तो बिल्ली ने उसके मुंह पर अपने नुकीले नाखूनों से जोरदार पंजा मारा। एक पंजा लगते ही मगरमच्छ उल्टे पैर पानी में चला गया। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई वीडियो मौजूद है जिसमें बिल्लियों ने साबित किया कि आकार नहीं हिम्मत मायने रखती है। अब जब बिल्लियां मगरमच्छों से भिड़ रही है तो कुत्तों की क्या औकात। इंटरनेट पर बेखौफ बिल्लियों की ऐसी ढेरों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आप कुत्तों को दुम दबाकर बिल्लियों से भागते हुए देख सकते हैं। बिल्लियां इतनी बेखौफ होती हैं जो उन्हें अपने से बड़े और खतरनाक कई तरह के जानवर जैसे भालू, अजगर, बकरी आदि से भी डर नहीं लगता और मौका मिलने पर यह हमला भी कर देती है। क्या आप जानते हैं NTSE 2020 के रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं? अब आप पूछेंगे मुझे कैसे पता? मुझे पता चला हेलो ऐप से। अगर आप भी इसी तरह लेटेस्ट ट्रेंड तुरंत पता करना चाहते हैं तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप। डाउनलोड करने के बाद आपको ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मौजूद होंगे जिससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लो हेलो ऐप और कर लो खुद को अपडेट। अगर छोटे आकार और विशाल हिम्मत की बात हो रही है तो हनी बेजर को लिस्ट में ना जोड़ो, ये तो नाइंसाफी होगी। हनी बेजर को दुनिया का सबसे फियरलेस जानवर माना जाता है। साउथ अफ्रीका के बोट्सवाना के सेलिंडा रिजर्व के इस फुटेज में आप देखेंगे कैसे जंगल के राजा छोटे जानवर के सामने भीगी बिल्ली बने। आप देखेंगे कैसे चार शेरनियों को एक हनी बेजर दिखा और वो उसे अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़े। वो स्वस्थ नजर आ रहे थे कि कुछ ही देर में उन्हें एक बढ़िया लंच मिल जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस हनी बेजर से वो पंगा लेने आए हैं असल शेर तो वही है। देखिए कैसे डरावनी नजरों चीख से इस छोटे से जानवर ने शेरनियों से पंगा ले लिया। हनी बेजर घुटने टेकने को जरा भी राजी नहीं दिख रहा था। चार शेरनियों को जब लगा कि मामला इतना आसान नहीं है जितना उन्हें लग रहा है तो अब लड़ाई लड़ने बाकी के चार शेर धमक पड़े। पर ये क्या, हनी बेजर तो इतना चालाक निकला कि पहले सभी शेरों को बड़ी चालाकी से अपने बिल के करीब तक ले गया। इसके बाद बड़ी ही तेजी से उसके अंदर भाग गया। शेर और शेरनियां बस देखते ही रह गए और छोटा सा शिकार उन्हें मात देकर भाग चला। इस वीडियो में आप देखेंगे जब हनी बेजर के बच्चे को तेंदुओं ने पकड़ लिया तो माँ हनी बेजर ने उस पर ऐसा जोरदार हमला किया कि बच्चे को छोड़कर तेंदुआ दुम दबाकर भागता हुआ नजर आया। इस वीडियो को रोसलीन द्वारा बोत्सवाना के चोबे पार्क में फिल्माया गया जिसमें एक अजगर ने हनी बेजर को दबोचा हुआ था, लेकिन हनी बेजर उससे बचने में कामयाब रहता है। तब तक वहां सियार भी आ जाता है, लेकिन जान बचाकर भागने की बजाय वो उल्टा अजगर को खींचकर अपने बिल में ले जाने लगता है और तब अजगर को हथियाने के लिए हनी बेजर और सियार में रस्साकसी होती है। तभी वहां दूसरा सियार भी आ जाता है, लेकिन इस लंबी चली लड़ाई में हनी बेजर ये साबित कर देता है कि वहां का बॉस वही है और अजगर को अपने साथ ले जाता है। ये जहरीले सांप को दबोचने से भी पीछे नहीं हटते। यही नहीं, हमारी मासूम से दिखने वाली बकरियां भी अपने से बड़े आकार के जीवों से भिड़ने से नहीं कतराती। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस संकट के समय में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सही से पालन करें, हम सबको मिलकर इस संकट से निकलना है। अगर आपके पास पड़ोस में कोई डेली कमाने और खाने वाला है लेकिन लॉकडाउन या कर्फ्यू के कारण उसे खाने पीने की दिक्कत हो रही है तो यही समय इंसानियत दिखाने का, आप उसकी जरूर मदद करें। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे और जीतेंगे भी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन YouTube द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोज नहीं देख पाएंगे।